और जो पहली बार हाथ टूटा था, पहली मतलब हाँ वो एक बार तो वो मैं स्कूटी चला रही थी तब, वो तो मैं 17 इयर्स की थी जब, तब की बात है। और वो जो लास्ट जो ये लोग यहाँ पे तोड़े, उसके पहले जो हाथ टूटा था वो मेरा एक गुरुग्राम में रिक्शे से एक्सीडेंट हो गया था। उस समय मैं एक पीजी में रहती थी वहाँ पे, और मेरे एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था। तो हाउ क्लेवरली दैट फ्रेंड सरदार जी जो वहाँ पे था, वो मेरी रूममेट बॉम सबने मिल के प्लानिंग की। तो मेरी रूममेट ने बोला कि मेरे ना ऑफिस में एक पार्टी है, पार्टी नहीं कुछ है समथिंग, कुछ फंक्शन है, तो तुम भी चलो मेरे साथ। आई डिक्लाइंड, आई रिफ्यूज्ड। फिर मॉम ने कहा उसको भी, कहा नहीं नहीं ले जाओ उसको, ले जाओ। और वो जो सरदार जी था वो भी, जाओ जाओ ऑफिस देख लो एक बार। तो इतना इंसिस्ट करने पे मैं चली गई। और मेरे अंदर से मन में पता नहीं क्यों इंट्यूशन हो रही थी कि मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो जाएगा, गड़बड़। और मैंने बोला भी मॉम को कि नहीं मुझे नहीं जाना है उसके साथ उसके ऑफिस, मुझे एक इंट्यूशन हो रही है कि कुछ तो गलत होगा। तो मॉम ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जाओ। और उसी दिन जब मैं उसके ऑफिस से लौट रही थी तो मेजर एक्सीडेंट हो गया मेरा। एक स्पीडिंग कार आई पीछे से और मैं गिर गई रिक्शे से। उसके बाद थोड़ा सा लाइक 2 मिनट्स के लिए थोड़ा ब्लैकआउट हो गई, और उसके बाद मेरा जो हाथ था वो मैंने फील कर लिया कि हाँ ये टूट गया है। फिर किसी तरह वहीं पे हॉस्पिटल में ले गया गया, हॉस्पिटल नहीं क्लिनिक जैसी थी, वहाँ ले गया गया। तो भी शक ही हो रहा था, और बाद में मुझे पता चला और लगा भी था उस समय कि हाथ टूटा था लेकिन उसको और भी बुरी तरह से बेहोशी की हालत में शायद मेरे तोड़ दिया गया था और भी। तो ये सारे मिले हुए थे, दैट फ्रेंड, माई रूममेट, माई मॉम, और जो लेडी ने एक्सीडेंट किया, वो एक लेडी थी जो स्पीडिंग कार से आई। तो जस्ट सी कि कितना लोग कंस्पायर कर सकते, किस हद तक जेलस हो सकते। एक यूथ, हाँ ओल्ड आई वॉज लाइक 26 27 ईयर्स ओल्ड, या आई वॉज 26 ईयर्स ओल्ड दैट टाइम, 2010 की बात है। इमेजिन इतने लोग मीन हो सकते हैं। आई होप मेरी वीडियो मीन लोग नहीं सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे, तो आप अलर्ट भी रहा करो। मैंने पहले भी कहा था बी अलर्ट, कब कैसे कौन दगा दे दे कुछ पता ही नहीं है। तो एक मैं एक वीडियो बहुत पहले देख रही थी यूट्यूब में, उसका नाम था मतलब उस वीडियो, वो वीडियो थी एक गीता कौन सी वाली, वो यार याद ही नहीं आ रहा है वो। या आई थिंक इट वॉज उद्धव गीता। उद्धव गीता में शायद कृष्ण ने अपने कजन उद्धव को बताया था कि कलयुग में कैसे होंगे लोग, तो यही कि कोई किसी का सगा नहीं रहेगा, बहुत है तो इमीडिएट फैमिली। अब ये है कि इमीडिएट फैमिली भी शायद अब कैसी हो गई, कहीं कहीं शायद वो भी सगी नहीं है। तो है ऐसा कुछ उद्धव गीता में कि कलयुग में बहुत कम लोग एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, परवाह करेंगे। तो वो समय मैं देख रही हूँ, सच में है ऐसा। वेरी रेयरली पीपल आर रियली कंसर्न्ड अबाउट अदर्स। अपना मतलब है तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, कितना भाड़ में जाए। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ये वाला हाल है। और ये कृष्ण ने बोल ही दिया था उद्धव गीता में। सो आई वुड ओनली विश पीस एंड हैप्पीनेस टू ऑल ऑफ अस। ओके, आई साइन ऑफ फॉर नाउ।